पता ले जा रे, पता दे जा रे गाड़ी वाला, पता ले जा रे गाड़ी वाला रे, मोरे नाव के मोरे गाँव के पता ले जा। कुछ इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में राजनीति भी, उम्मीदवार वोटरों का पता पूछ रहा है और वोटर भी जो है वो प्रत्याशियों का पता पूछ रहे हैं, क्योंकि 5 साल बाद प्रत्याशी जो है वो उनके घर तक पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं बिलासपुर लोकसभा के मस्तूरी विधानसभा में हूं और इस कड़ी दोपहरी में जो है प्रत्याशी वो लोगों के घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू जी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तोखन जी, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? जिस तरीके से मैंने एक गाने, छत्तीसगढ़ी गाने के रूप में इसको शुरुआत किया, तो कुछ उसी अंदाज में आप भी शुरू कर दें। पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत देश में पूरे क्षेत्र के लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मन बना चुके हैं। आप जहाँ भी चाहिए, जिससे भी पूछिए, हर लोग यही बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। सब मन बना चुके हैं माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज करने वाली है। लेकिन तोखन जी, जो अभी यहां पर बिलासपुर में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनका ये कहना है कि ना तो कोई यहाँ पर मैजिक, मोदी मैजिक चल रहा है, उनके तमाम जो मैजिक हैं वो खोखले हैं। उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ है। मोदी की मैजिक पूरा देश नहीं दुनिया में चल रही है और भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर पहले भी पूर्ण बहुमत में आई थी और अभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, 400 पार करेगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में रहने की लायक भी नहीं रहेगी और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से 7 तारीख के बाद तो दिखेंगे भी नहीं, वो चुनाव परिणाम भी सुनने के लिए नहीं आएंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? आप तो मोदी की गारंटी आप जैसे बता रहे हैं, तो मोदी की गारंटी में क्या क्या है? मोदी की गारंटी देखिए, मोदी की गारंटी माननीय हमारे, हमने कहा था हमारे संकल्प पत्र में कहा गया था, यदि हमारी सरकार बनती है तो हम मातारी बंधन योजना के माध्यम से 1,000 रुपया देंगे। 1,000 रुपया सभी मातारी बहनों के खाते में जा रही है। किसानों का धान 3100 रुपये में खरीदेंगे, 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। 3100 रुपये में धान खरीदी की गई, अंतर का राशि भी दे दिया गया और 21 क्विंटल धान खरीदी गई। 2 साल के बकाया बोनस राशि भी किसानों के खाते पर जमा कर दी गई है। बहुत कम समय में मोदी की गारंटी पूरी हुई है। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को इस बात का विश्वास है कि माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए सबके मन में है कि मोदी जी ही देश का नेतृत्व करें। तोखन जी, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इसका निरंतर विकास हो, इसके लिए हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे। आपको प्रत्याशी बनाया गया है, कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने एक आरोप भी लगाया, कह सकते हैं कि हर बार जो है प्रत्याशी वो मुंगेली का होता है और ओबीसी कैंडिडेट के रूप में अगर कोई होता है तो साहू से उतारा जाता है, तो इस तरह के मुद्दे जो हैं वो इस तरह के सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच भी ये जो मुद्दा है वो चल पड़ा है, कैसे देखते हैं इसको? ये कोई मुद्दे नहीं है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता आज से नहीं, कई पंचवर्षीय पहले ये आशीर्वाद देते रहे हैं, आशीर्वाद मिलता रहा है, लोग सांसद बनाते रहे हैं, तो ये कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ प्रत्याशी नहीं मिला बिलासपुर बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में, तो बाहर से प्रत्याशी लाया गया है जिनका यहाँ के संस्कृति से ही कोई लेना देना नहीं है, जो ईडी के राडार में है। मुझे तो ये भी सुनने मिला है कि सीडी के भी राडार में थे। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ प्रत्याशी ही नहीं मिला, यहाँ स्थानीय कांग्रेस नेताओं का भी अपमान कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है जी। ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं देवेंद्र यादव, वो बता रहे हैं कि बिलासपुर में अब तक जितने भी सांसद चुन के आए हैं और संसद में पहुंचे हैं, वो म्यूट सांसद पहुंचे हैं। उनका सोच गलत है, वो कुंठित मानसिकता से घिरे हुए लोग हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने वाले अभी जो हमारे डिप्टी सीएम तत्कालीन सांसद हमारे अरुण साहू जी हैं, जिन्होंने बड़ी मुखरता से संसद में छत्तीसगढ़ की आवाज़ को, बिलासपुर की आवाज़ को उन्होंने उठाया और जिसका लोगों ने स्वागत भी किया। और जब वो लोरमी से चुनाव लड़े तो 45,000 से ज़्यादा वोट से जीत करके आए। लोग देख रहे हैं
कि किस तरह से हमारे सांसद यहाँ से जुन करके जाते हैं और किस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं। मोहले जी भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किए, वो लगातार मंत्री रहे, आज भी वो विधायक हैं। तो बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को ये पता है कि मुंगेली से जो भी कार्यकर्ता आएंगे वो अच्छी सेवा करेंगे, इसलिए अच्छा आशीर्वाद मिलता है। बिलासपुर लोकसभा की बात करें तो 20 लाख से अधिक मतदाता है और उन मतदाताओं तक पहुंचने के लिए जो प्रत्याशी है वो पूरी ताकत के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। फिलहाल 7 मई को मतदान होगा, उसके बाद फैसला जो है वो ये में कैद हो जाएगा और 4 तारीख को इसका परिणाम सामने आ जाएगा। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य।